अपने लास्ट क्लास में पहले भी देख के रखा है कि हमारा जो फंक्शन है वो सेपरेटेड इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होता है, और विजुअल बेसिक में जो फंक्शन है उसको इस तरीके से हम कोड विंडो में टूल में जाकर के प्रोसीजर में देख सकते हैं। तो प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, प्रोसीजर चार टाइप के होते हैं। तो जो फंक्शन प्रोसीजर होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है फंक्शन प्रोसीजर। जैसे मैं फंक्शन की बात करूं तो लाइब्रेरी फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन वो होते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट ब्राउजर में दिखाई देते हैं। कई सारी लाइब्रेरीज यहाँ पर पहले से बनी हुई है, इसमें आप सर्च कर सकते हैं, और हम डेट और टाइम के बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस देख चुके हैं जिसमें ये सारे फंक्शंस थे। अब हमें देखना है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, जिसका कोड वो फंक्शन क्या काम करेगा, कैसे बिहेव करेगा, ये डिसाइड भी प्रोग्रामर करता है, और ये हम एरिया स्पेसिफिक तरीके से क्रिएट करते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, मतलब लगभग सभी लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन हम एक अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एरिया के लिए ही डिजाइन करते हैं। तो देखते हैं लाइब्रेरी फंक्शन हम कैसे डिजाइन करते हैं, सॉरी यूजर डिफाइंड फंक्शन हम कैसे डिजाइन करते हैं। उसको डिजाइन करने के लिए हमको यहाँ टूल में जाना होगा, ऐड प्रोसीजर करना होगा, फंक्शन सेलेक्ट करना होगा। फंक्शन जो टाइप है यहाँ लिखेंगे, फंक्शन का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे सम, और जो भी आपको नाम लिखना है ये एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। फंक्शन का स्कोप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट स्कोप लेने पर ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म पर एक्सेसिबल होगा, और पब्लिक फंक्शन लेने पर ये फंक्शन दूसरे फॉर्म पर भी एक्सेसिबल होगा। यानी कि दो फॉर्म इसको शेयर कर पाएंगे अगर आप पब्लिक इसको यहाँ पर स्कोप दोगे तो। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे पब्लिक स्कोप दिया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कोड विंडो में फंक्शन का स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर स्कोप लिखा हुआ है, इसका टाइप लिखा है, इसका नाम लिखा है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट और रिटर्न टाइप नहीं दिया रहता है, और एंड फंक्शन। अब इसके बीच में हमें कोड करना है। क्लियर है? ये हमारा है यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब मैं यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन को कोड कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे दो नंबर का सम करना है, तो यहाँ पर कोड कैसे होगा, जैसे मैं यहाँ पे फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, आपको एक एग्जांपल से मैं दिखा दूँ कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस काम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर दो टेक्स्ट, तीन टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ, दो में इनपुट लेंगे और एक में आउटपुट आएगा। देखिए इसका नाम भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पर मैं एक कमांड बटन बनाया, कमांड बटन में मैं नाम लिख देता हूँ ऐड। टेक्स्ट वन को मैं ब्लैंक करता हूँ, टेक्स्ट टू में मैं ब्लैंक कर रहा हूँ, और टेक्स्ट थ्री में मैं ब्लैंक कर रहा हूँ। अब देखिए जैसे मैं कमांड वन पे क्लिक किया तो यहाँ पर कमांड वन अंडर स्कोर क्लिक, ये एक प्रोसीजर ओपन हो गया है। तो यहाँ से हम फंक्शन का यूज करना चालू करेंगे। फंक्शन का यूज कैसे करते हैं देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर तीन वेरिएबल बनाते हैं, डिम ए एज इंटीजर, डिम बी एज इंटीजर, डिम सी एज इंटीजर। विजुअल बेसिक में सभी को बार बार ऐसा लिखना पड़ता है, एक ही लाइन पे भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं ए की वैल्यू जो है वो कहाँ से आएगी, टेक्स्ट वन डॉट टेक्स्ट से आएगी। टेक्स्ट वन जो पहला टेक्स्ट है वहां से उसकी वैल्यू आएगी। बी की वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट टू डॉट टेक्स्ट से, यानी टेक्स्ट टू से जो है इसकी वैल्यू आएगी। सी की वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, ए प्लस बी, और इस फंक्शन में रिटर्न कर रहे हैं इसको हम। सी की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि फंक्शन में ट्रांसमिट करेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा सी सम ए कॉमा बी। ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं मैसेज बॉक्स सी कर दिया। तो हालांकि मैं यहाँ पर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करके सम करा सकता था क्योंकि तो बहुत छोटा सा कोड है, उसके जगह मैं फंक्शन बनाया हूँ। केवल ये छोटे से कोड की वजह से मैं फंक्शन नहीं बनाया हूँ, हमको खाली फंक्शन का वर्किंग समझना है, इसलिए मैंने इसको बनाया है। यहाँ पर सम के जगह पे बहुत सारी हजार लाइन का कोड हो सकता है, और उसको यहाँ पर एक लाइन में हम एक्सेप्ट, एक लाइन में एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हजार लाइन का जो सम है वो एक बड़ा सा कोड यहाँ पर लिखा जा सकता है, फिलहाल अभी ये छोटा सा कोड है। देखिए फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, इस लाइन पे हमें फंक्शन कॉलिंग की गई है,
फंक्शन का नाम है सम। फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट पास किए गए हैं, दोनों आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप के हैं और फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो सी में स्टोर हो रही है और सी भी इंटीजर टाइप का है। तो देखिए फंक्शन की यहाँ पर ये जो फंक्शन कॉलिंग है इसको आप समझ चुके हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कैसे पास किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा x as integer, ध्यान दीजिए मैं लिखा x as integer और y as integer। अब यहाँ पर जो कॉलिंग हो रही है ये फंक्शन की जो कॉलिंग है उसको मैंने यहाँ पर पास कर दिया। तो यहाँ पर x as integer और y as integer ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि कॉल बाई वैल्यू और कॉल बाई रेफरेंस होता है, तो मैं बाई वैल लिख देता हूँ, तो ये कॉल बाई वैल्यू हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, बाई वैल यानी कि कॉल बाई वैल्यू, एक्स एज इंटीजर बाई वैल वाई एज इंटीजर। अगर मुझे यहाँ पर कॉल बाई रेफरेंस करना होता तो मैं यहाँ पर लिखता बाई रेफ, ठीक है। तो कॉल बाई रेफरेंस के लिए बाई रेफरेंस लिखना पड़ता है और वैल्यू के लिए कॉल बाई वैल लिखना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर फंक्शन के आगे रिटर्न स्टेटमेंट लिखना होता है। जैसे ये फंक्शन जो एक नंबर रिटर्न करेगा तो यहाँ लिखेंगे एज इंटीजर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने फंक्शन की बॉडी तैयार, फंक्शन का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। ये फंक्शन का स्कोप पब्लिक है, टाइप फंक्शन है, नाम सम है, इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास किए जा रहे हैं बाई वैल्यू के द्वारा, एक्स एज इंटीजर और वाई एज इंटीजर। कोई जरूरी नहीं है कि ये वाला नाम और ये वाला नाम सेम हो, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट है और ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट आपका है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो रिटर्न है वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर हम कोड लिखते हैं, तो आप यहाँ पर एक्स ए में जो वैल्यू देंगे वो एक्स में जाएगी, बी में जो वैल्यू देंगे वो वाई में जाएगी, क्लियर है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिम जेड एज इंटीजर और जेड की जो वैल्यू है वो ए प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगी। अब हम इसको रिटर्न कैसे करेंगे, विजुअल बेसिक में रिटर्न करने के लिए हमको लिखना पड़ता है फंक्शन का नाम इक्वल टू जेड, ऐसा लिखने से वैल्यू रिटर्न हो जाती है। तो जेड की वैल्यू जो है वो रिटर्न होके सी में चली जाएगी, क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने एक कोड लिखा है। देखिए ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग की जा रही है, फंक्शन का नाम है सम, इसमें दो इंटीजर वैल्यूज पास की जा रही है क्योंकि ए और बी जो है वो इंटीजर वैल्यू है। इसमें सम होने के बाद एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होकर सी में आएगी, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो ये जो ए और बी है इसमें हम आर्ग्यूमेंट जो पास कर रहे हैं वो कॉल बाई वैल्यू के थ्रू पास कर रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर फंक्शन का नाम बाई वैल एक्स एस इंटीजर बाई वैल वाई एस इंटीजर लिखा और ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा, रिटर्न स्टेटमेंट करने के लिए हमको फंक्शन का नाम इक्वल टू दिस जो भी रिटर्न करना है वो लिखना होता है, क्लियर है। तो देखिए ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा। मैंने यहाँ पर एक वैल्यू दी है, हम यहाँ पर एक वैल्यू देते हैं, ओके चलिए हम यहाँ पर एक वैल्यू दिए, मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 4 और यहाँ लिखा 5, तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो ऐड होकर के यहाँ पर 9 आई जो कि मैसेज बॉक्स में आ रही है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी आए, तो उसके लिए हम कोड में यहाँ पर लिख देते हैं साथ ही साथ टेक्स्ट 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सी, यानी कि सी में भी टेक्स्ट में भी आएगा और मैसेज बॉक्स में भी आएगा, दोनों में आएगा, क्लियर है। आप इसको रन करके देख लेते हैं हमारे कोड को। तो ये हमारा कोड है और ये हमारा इंटरफेस है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। यहाँ पर मैंने दिया 4 और यहाँ पर मैंने दिया 5, अब देखिए क्या आ रहा है, 9 आया और यहाँ पर मैसेज बॉक्स, दो दो जगह आउटपुट आ रहा है। हम एक साथ मल्टीपल प्लेस पर आउटपुट दिखा सकते हैं, क्लियर है। इसकी वर्किंग हम समझ सकते हैं अपने दूसरे, हम इसको देखेंगे इसकी वर्किंग क्या होती है। तो इसकी वर्किंग समझने के लिए हम इसको सबसे पहले ले चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर आपको कोड दिखा रहा हूँ। इस जो पहला जो ये बॉक्स है इसका नाम है टेक्स्ट 1, ये टेक्स्ट 1 है,
वैसे ही ये टेक्स्ट टू है, ये टेक्स्ट थ्री है। टेक्स्ट वन में जो फोर लिखा हुआ है ये वैल्यू कहाँ पर जा रही है, देखिए टेक्स्ट वन में जो लिखा वाला वैल्यू है ये यहाँ से उसकी वैल्यू जो है यानी कि ए में जो वैल्यू आ रही है वो फोर आ रही है। उसी तरीके से टेक्स्ट टू की जो वैल्यू है वो कहाँ जा रही है, यहाँ पर, यानी कि बी में जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, फाइव। क्लियर है? अब ये वाली जो वैल्यू है फोर वाली वो किस में जा रही है, एक्स में, और ये वाली जो वैल्यू है बी वाली वो किस में जा रही है, वाई में। तो फोर और फाइव यहाँ पर आपके आ गए हैं। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू, ए की वैल्यू जो है बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू के जरिए यहाँ पर आ जाएगी, यानी यहाँ पर आ जाएगा फोर और यहाँ पर आ जाएगा फाइव। तो ये जो एक्स फोर और फाइव जुड़ के किस में आएंगे, जेड में, यानी यहाँ पर आ जाएगा नाइन। अब ये जो जेड की वैल्यू जो है ये वाली, ये रिटर्न होके आएगी सी में, और सी की वैल्यू जो है वो देखिए टेक्स्ट थ्री में भेजी जा रही है, यानी कि यहाँ पे भेजी जा रही है, और सी की वैल्यू जो है मैसेज बॉक्स में भी भेजी जा रही है। तो इतना सारा इस तरीके से फ्लो हो रहा है, जब हम एक क्लिक कर रहे हैं और फट से नाइन आ जा रहा है, उसके पीछे ये सारी वर्किंग हो रही है कि किस तरीके से वैल्यूज इधर से उधर पास हो रही है और यहाँ से फंक्शन में पास हो रही है। तो यहाँ पर आपने कई चीज़ों को कवर किया, जैसे कॉल बाय वैल्यू और फंक्शन की रिटर्न स्टेटमेंट, विजुअल बेसिक में रिटर्न स्टेटमेंट कैसा लिखा जाता है, आर्ग्यूमेंट कैसे पास किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो ये था आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन। एक दो टॉपिक और हम इसमें कवर कर सकते हैं, जैसे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ रिकर्शन, ये दो टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, और इसको कवर करने के कर कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं।